जांच की तारीख बताकर खुद तारीख भूले जांच अधिकारी। जांच नोटिस जारी कर बिना सूचना के नदारद रहे अधिकारी। जनता में आक्रोश। आपने सनी देओल की दामिनी फिल्म तो देखी होगी, जिस पर सनी देओल वकील बनकर कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, आखिर कब मिलेगी तारीख कहते हैं। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत कोटा के ग्राम पंचायत उपका के सरपंच सचिव की शिकायत का है। अभी हम उपका ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ग्राम पंचायत का भवन है और यहाँ लगभग 100 से 150 ग्रामीण उपस्थित हैं। इनका मानना ये था कि आज जांच होनी थी सरपंच सचिव की, लेकिन ये 10 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी पहुंचा नहीं है। जब मीडिया की टीम पहुंची और ऊपर कई लोगों से फोन करके पता किया गया तो पता चला आज कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप यह है कि कैंसिल नहीं किया गया है, इसमें बड़े पैसे का लेन देन करके, बड़े रकम का लेन देन करके सरपंच सचिव को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो विश्वास था कि न्याय मिलेगा, वो ग्रामीणों के मन से ये निकलते जा रहा है कि न्याय सिर्फ पैसे से मिल सकता है और बिना पैसे के न्याय नहीं मिल सकता। और ग्रामीण बड़े उदास हैं क्योंकि सरपंच के ऊपर बड़े गंभीर नौकंडिका पे आरोप लगे हुए हैं। लाखों रुपए का ऊपर नीचे किया गया है इस पूरे मसले पे, करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है। और अभी आपने देखा है कि कई ग्रामीण तो ये कहने को तैयार हो गए हैं कि यदि इसकी जांच जल्द से जल्द नहीं कराई गई तो हम हाईवे पे चक्का जाम करेंगे। और कई ग्रामीण तो ये कह रहे हैं कि यदि इसमें न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह की भी चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जांच किस ओर जाके बैठती है, इसका रुख कैसे तय होता है और क्या ग्रामीणों को न्याय मिल पाएगा। मैं रविराज रजक, समय न्यूज, बेलगहना। जिला पंचायत ने मामले की जांच के लिए अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं और संबंधितों को नोटिस भी जारी कर दिया है। 24 अप्रैल की सुबह से ही ग्रामीण ग्राम पंचायत में उपस्थित हो गए। जब 2 बजते तक ना ही कोई अधिकारी आए और ना ही कोई सूचना, इस पर ग्रामीण आगबा बोला हो गए और जिला CEO हाय हाय के नारे लगाने लगे। वही हमारे संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा अपमान हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं आ रहे हैं, इस बात की सूचना भी हमें नहीं दी गई। मामला बड़ा है तो बड़े लेन देन कर अधिकारी नदारद है, हम चक्का जाम करेंगे, इस पर भी बात नहीं बनती तो आत्मदाह को भी तैयार है, हमें न्याय चाहिए। सुबह 10 बजे से पहुंचे हुए थे और 24 तारीख को जांच होना था आज की डेट में, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। और ऐसी अगर स्थिति रहा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और कई ग्रामीण जो है आत्मदाह भी करेंगे। लेन देन हुआ है तभी तो अभी तक अधिकारी नहीं आया। हमको ग्रामवासी को नोटिस दे करके नहीं आया, इसका मतलब यही है कि अधिकारी जो है सरपंच सचिव से लेन देन करके नहीं आया। बिल्कुल काहे नहीं कर पाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारा जो सेफ्टी बना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये मिलना था, किसी भी ग्रामीण को नहीं मिला। अपने अपने खेती गिरवी रख करके कर्जा ले करके सेफ्टी का निर्माण करवाए, इसलिए ग्रामीण जो है आक्रोश में है। आपका पर्चे नहीं आया था, 12 तारीख को मिला था भैया, और आज की डेट मतलब 24/4/2023 को हम लोग 10 बजे से मतलब पंचायत भवन में उपस्थित हैं। अभी तक अधिकारी अभी तक नहीं उपस्थित हुए, हमारे ग्रामीण जितने भी हैं सब उपस्थित हैं और राहत देख रहे थे, 10-20 मिनट और देखेंगे, इसके बाद अपने घर जाएंगे। अब जाँच करने पर ही पता चलेगा सर, 10-20 मिनट और देखेंगे, अब अभी तक नहीं आए, यानी कैंसिल है समझो। कोई सूचना नहीं मिला कैंसिल की? नहीं। आपका पर्चे बता दी। नारायण सिंह उरेती, सरपंच ग्राम पंचायत उपका। हम जनता से अधिकारी लोग हैं, अधिकारी से हम नहीं हैं, हमसे अधिकारी लोग हैं, नेता हैं, और हमारा बात नहीं सुनेंगे तो ये गलत है, बहुत गलत है। हमारा बहुत अपमान हुआ, निश्चित समय में हमको बुलाया गया, हम सब जनता आ गए उपस्थित में और वो अधिकारी लोग नहीं आए हैं। हाँ, जांच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो अधिकारी जाने, हम लोग कैसे जानेंगे, लेकिन हम लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। विद्रोही बनेंगे, विद्रोह करेंगे। किस अब जो जनता बोलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा पैकरा है। जिला पंचायत गया, कलेक्टर ऑफिस गया जांच के लिए। आज 24 तारीख को यहाँ समय दिया गया था जांच के लिए, लेकिन अभी तक के कोई भी ना अधिकारी आया है ना कर्मचारी आया है, मात्र सरपंच यहाँ आकर बैठे हैं।
और पूरा गांव भर के जनता बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ जांच के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक से नहीं है, हमको तो यही शक लग रहा है अधिकारी नहीं आए तो सरपंच को बचाना चाह रहे हैं, उप सचिव को बचाना चाह रहे हैं, कुछ अपने लेन देन आपसी कुछ समझौता हो गया होगा। इसी स्थिति में तो नजर आ ही रहा है, कोई भी तो आकर हमको अवगत कराते, किसी भी प्रकार का सूचना नहीं मिला। मेरे को ये मिला था कि 24 तारीख को यहाँ जांच होना है, जांच टीम आएगी करके, फिर मैं अपना आगे फार्मूला अपनाऊंगा, जो आएगा आगे सोचेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारा मांग अगर पूरा नहीं होगा, हम अपना समस्या लेकर कलेक्टर साहब के पास गए थे, जिला सीओ के पास गए थे, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम तो अपने आगे कार्रवाई करेंगे, अपना मांग को तो पूरा रख कर ही चलेंगे जब तक हो। बेलगैना से रविराज रजक की रिपोर्ट।